आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। नमस्कार, सिटी चैनल चंबा और मीनू केबल नेटवर्क द्वारा संचालित चंबा की विभूतियों को आपसे रूबरू करवाने की श्रृंखला में आज जिस प्रतिभा से हम बातचीत कर रहे हैं उनसे आप भली भांति परिचित हैं। याद कीजिए, जब वैश्विक कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ तो सारा विश्व घरों में दुबकने को मजबूर हो गया था। लोगों के जीवन में उस कठिन दौर में कलाकारों की एक टोली कोरोना संबंधित सामाजिक सरोकार से जुड़े अनेकों मुद्दों, समस्याओं और उसके निवारण व एहतियात के लिए सरकारी दिशा निर्देशों को आमजन तक पहुंचाने और जागरूक करने के लिए एक स्थानीय चैनल के माध्यम से अपने कर्तव्यों का बड़ी मुस्तैदी से निर्वहन करता रहा है। हमारे दर्शकों को याद होगा चाचा कोरोना का भी ड्रोना, गदरिंग डे दी सीख, सन्नाटा, कोरोना कहर क्रंदन, अबे पैना दुमसड़ू जैसे अनेकों दूसरे लघु नाटक जिसमें ये अदाकार बड़े स्वाभाविक व्यंगात्मक शैली से न केवल लाखों लाख दर्शकों का मनोरंजन करते रहे अपितु उस विपता की घड़ी में कोरोना से जूझने की अनेकों सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। मैं घरे ही हुंदा पर सौदा पत्रा भी लियाना पैंदा ना किछ कारी दित्ती ना तैं भी बत्तेरी पीछ ओ मोया सड़क ते बाजार विच भीड़ ना लगो इधेरे ताई प्रशासन ने होम डिलीवरी सिस्टम कदाड़ी री शुरू है कीती री फोन चुगो ऑर्डर देओ ते अपनी मन मर्जी री चीजा घरे बैठे लेओ पर से आदत है ना लुर लुर करने दी से नहीं मुकदी भाई ओए ये तेरे चिड़चिड़ शुरू पूरी अपनी चाची प्रेत गेरी घरे पुजे ने अतर शुरू हो यांदी जरी चै चै ओ सराबड़े ओ सराबड़े लता चलिया तुम्हारी कबरी जो और रू तुम्हारी शराब घड़ोपने री प्यासी ओ भाई मैं पीती अपने पैसे री मैं पीती ना अपनी पेंशनरी कोई गल नी टेंशनरी चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। जी हां साहब, हम बात कर रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी चंबा के इस विख्यात कलाकार राजेंद्र विष्ट की। हम आज इनसे विस्तृत बातचीत करेंगे और इनसे कला जीवन के बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र विशिष्ट जी। विशिष्ट जी, आपका सिटी चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद है मुझे। देखिए, आपने जो कई किरदार निभाए हैं, एक जीसस जो गिनीज बुक ऑफ में भी आता है उसमें जो जीसस क्राइस्ट का जो आपने किरदार किया है वो बहुत ही सराहनीय है। उसमें गद्दी भाषा भी है, चमयाली भाषा भी है,
तो कोई हमें कोई ऐसा और भी किसी आपके नाटक का कोई ऐसा कोई हम जानना चाहते हैं, सबसे पहले आपसे कोई डायलॉग ऐसा हो जो आपको पसंद हो वो सुनना चाहते हैं आपसे। ठीक है जी। तो हेम जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मीनू भाई का, सिटी चैनल का, जिन्होंने इतना बेहतरीन मौका दिया और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े मंच पर मुझे मौका मिला, और ख़ासकर बतौर आपका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ हेम जी कि आपके सानिध्य में इतना बड़ा इंटरव्यू होने जा रहा है, तो मैं धन्यवादी हूँ इसके लिए। महाभारत के एक कैरेक्टर है अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा के जो मन की वेदना है, जो पीड़ा है, उसको एक डायलॉग के तौर पर मैं थोड़ा रखने की कोशिश करूँगा उनका थोड़ा कैरेक्टर में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जैसे में आ जाइए। हाँ, थोड़ा जैसे मान लीजिए धनुष है, इसके बारे में ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने देखा दुर्योधन को निशस्त्र दीन आंखों में आंसू लिए, मैंने मरोड़ दिया अपना ये धनुष। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा ये धनुष है, किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में भयानक इस वन में भूल नहीं पाता हूं मैं, कैसे युधिष्ठिर की वो घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में, पाकर निहत्था उन्हें पापी दृष्ट द्युमन ने अस्त्र से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मैं, मेरे पिता थे अपराजय, किंतु युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने उनकी हत्या कर डाली। भूल नहीं पाता हूं मैं। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि अश्वत्थामा जो थे महाभारत के एक बहुत जबरदस्त जो करेक्टर थे वो अश्वत्थामा, और आप इस पात्र में काफ़ी करीब तक, हमने देखा कि अभी काफ़ी करीब तक जो है डूब गए थे, क्या वजह है, खास वजह रही जो जिस तरह से आप डूब रहे हैं, कोई खास वजह? हेम जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो अश्वत्थामा है ना, महाभारत में जिनको लगभग गौण रखा, महाभारत में जो उनकी शक्तियाँ थी, उनके अंदर जो सामर्थ्य था, उसको गौण रखा, इसके कई वजह हैं। अब उस गौण की वजह से उनके अंदर जो उथल पुथल थी, उनके जो भाव थे, वो किसी के सामने नहीं आए। कोशिश कर रहे हैं हम कि अश्वत्थामा को जो उनके अंदर की वेदनाएँ थी, जो उनके अंदर की पीड़ाएँ थी, कई चीज़ें थी जो महाभारत में नहीं दिखाई गई हैं अश्वत्थामा की। जी जी। तो हमने एक प्रयास शुरू किया है, हमने कोशिश शुरू की है कि 50 से 55 एपिसोड, छोटे छोटे एपिसोड, जो कि 6 से 8 मिनट के होंगे, जिसमें हर एपिसोड में अश्वत्थामा की जो अंदर की वेदनाएं हैं, जो वो कह नहीं पाए, जो उन्होंने भुगती हैं, जो भुगत भोगी रहे हैं, लेकिन कई कारणों से वो बता नहीं पाए, उनको हम एपिसोड के द्वारा 6 से 8 मिनट के, 50 से 55 के करीब एपिसोड बनेंगे, और उसकी तैयारियां चल रही हैं। अब देखने वाली बात तो ये है कि जो अश्वत्थामा का कैरेक्टर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको जीवित करूं, सही रूप में जीवित करूं, और उसके लिए तैयारियां जारी हैं, जो नेचुरल तौर पर एक गुफा बनाने की मैं तैयारी कर रहे हैं, हमारी टीम, हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। उनका जो ड्रेसअप था, जो उनकी कॉस्ट्यूम थी, जो उनका जो कुछ भी बाहरी और आंतरिक जो था, उसमें मैं बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी वो एपिसोड्स सबके सामने होंगे, सब दर्शकों के सामने होंगे।
ये है मेरा प्रयास। बेशक बेशक जिंदगी, देखिए जिस तरह से आप अश्वत्थामा के इस करेक्टर में डूब गए थे, मुझे तो लग रहा है बिल्कुल वो जो आपके जो आने वाली है ना चीज़, वो बहुत लाजवाब होगी। इसके लिए आपको हमारी तरफ से पहले से ही शुभकामनाएं। जी, जिस तरह से अश्वत्थामा का जो आपने करेक्टर अभी हमारे सामने पेश किया है, मैं तो निःशब्द हो गया। हम और चाहते हैं थोड़ा सा, जैसे हमारे दर्शकों ने भी इसे पसंद कर रहे होंगे, हम चाहते हैं कि एक और छोटा सा कोई और किसी करेक्टर का डायलॉग हम जानना चाहते हैं। सबसे और किसी और जो आपका जो किसी कोई भी ड्रामा हो या कोई करेक्टर जिसमें आपने आपको जो पसंद आता है। हेम जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी जो संवाद बोला गया है ये डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ अंधा युग से है जी। और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जो आगे के जो 50-55 एपिसोड बनने जा रहे हैं वो अश्वत्थामा के पर ही आधारित है, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की मनोस्थिति थी उसको छूने की हम प्रयास कर रहे हैं उस स्क्रिप्ट के माध्यम से, और अश्वत्थामा को भी उसी लहजे में हम छूने की कोशिश कर रहे हैं जी। आप ये अश्वत्थामा की बात करें करेक्टर की, तो इसमें कोई और भी आपके कलाकार शामिल होंगे आपके साथ, इसमें सिर्फ आपका ही करेक्टर देखने को मिलेगा? अश्वत्थामा है तो अकेला ही होगा, फिर कुछ और सपोर्टिंग एक्टर्स वगैरह नहीं? सपोर्टिंग नहीं, यानी कि एकल अभिनय के तौर पर। एक और इनसे कोई डायलॉग सुनने की कोशिश करते हैं जी। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्ति पर था तो अश्वत्थामा से जब सवाल किया गया तो उसका जवाब क्या दिया उन्होंने? अभी आया हूँ मैं सागर तट की उज्जवल रेती पर, गाढ़े गाढ़े काले खून से सने अनगिनत यादव योद्धाओं के शव, जिसको मारा है कृष्ण तुमने, तुमने भी वही किया जो उस रात मैंने किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने मारा था दुश्मनों को और तुमने अपने ही बंधु जनों की हत्या कर दी थी। रक्त शिराओं में जो जख्म फूट रहे हैं मेरे तन पर, क्यों नहीं फूट पड़ते तुम्हारे जिस्म पर? सुनो ओ कृष्ण सुनो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जिंदर जी। वशिष्ठ जी से बातों का सिलसिला जारी है। हम आपसे जानना चाहते हैं कोई और आपका कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट कोई और? हेम जी, अभी हम एक और नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट हमारा एक कर्ज है हमारे ऊपर, उस कर्ज को उतारने का हम प्रयास कर रहे हैं। कर्ज इस तरह से है कि जब चंबा में पानी का अकाल पड़ा था तो चंबा की जनता जो थी वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, तो उस वक्त माँ सुनैना ने अपने शरीर का बलिदान करके जो हमें चंबा वासियों की प्यास को बुझाया, तृप्त किया, वो कर्ज जो है हमारे पूर्वजों पर, हम पर सदैव रहेगा, हम उसके ऋणी रहेंगे। तो उसी बात को, उसी सत्य घटना को एपिसोड के तौर पर, या यूँ कह लें हम कि एक धारावाहिक के रूप पर, या यूँ कह लें छोटे छोटे कैप्सूल के रूप में माँ सुनैना की पूरी गाथा जो है हम तैयार कर रहे हैं उसके बारे में। तो उस गाथा में से थोड़ा सा कोई हमारे दर्शकों के लिए हो जाए थोड़ा सा जी, है कुछ आपको अब जो ध्यान में है, कुछ जो प्रयास किया जा रहा है उसी को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उस बलिदान को भूलती जा रही है। तो कोशिश की है उस बलिदान को हम सदैव याद रखें। तो माँ सुनैना जिस तरह से बलिदान स्थल की तरफ गई थी, कितना मार्मिक रहा होगा वो दृश्य, किस तरह से बलिदान स्थल पर जाती हैं और किस तरह से उनको गारे और पत्थर और मिट्टी में चिना जाता उनके देह को, और उस वक्त का मैं 1000 वर्षों का एक जो पालकी थी माँ सुनैना की, मैं एक कहार के रूप में, हम 4 कहार थे, उनमें चौथा कहार मैं भी था, और उस कहार के तौर पर जो था, मैंने जो देखा अपनी आंखों से प्रत्यक्षदर्शी बनकर जो कुछ देखा वो कहने में तो नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए शब्द तो नहीं है, लेकिन एक प्रयास है कि वो जो घटना थी मेरे आंखों के आगे जीवित हो जाती है। तो उस समय को जब
आप जिस करेक्टर को बात कर रहे हैं, जो उस समय जो घटित हुआ था, जी, जी। रानी सुनैना को बलिदान के लिए ले जा रहे थे, जी, जी। उस समय जब जो कहार था उसका करेक्टर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी, जो कहार थे उस करेक्टर की बात कर रहा हूँ, और वो उसके बारे में जो रानी सुनैना के जो भाव थे उस वक्त, जो हमने अपनी आंखों से देखे थे, उन भावों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो जाए थोड़ा सा जी, जी। एक और प्रजाहित तो सामने महारानी का बिछो, हृदय वेदना विरह और शून्यता के लंबे सफर की कल्पना मात्र ही शरीर की रक्त शिराओं की इस तरह उत्तेजित कर रहे थे, मानो हृदय तंत्री के तारों की झंझनाहट में महारानी के नैना के स्वर की ध्वनियों को निष्प्राण करने की होड़ लगी हो। अब शगुन तो राजमहल से निकलते समय ही हो गया था, जब अचानक पालकी मुख्य द्वार से टकरा गई थी। सामने मुंडेर पर कौए की काओ काओ हृदय को विचलित कर रही थी। रोसी उदास प्रजा के चेहरों को पढ़ते हुए माँ नैना ढाढ़स बंधाते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, पानी की कुल पूजने के पश्चात शीघ्र वापस लौट आऊंगी। उस दिन तो होड़ लगी थी, समस्त जनता में बच्चे वृद्ध युवा पुरुष महिलाएं सिर झुकाए मंद मंद कदमों से सिसकिया भरते हुए बलिदान स्थल की ओर बढ़ रहे थे। महारानी पालकी में विराजमान थी। वर्षों से मैं इस पालकी को उठाने वाले अन्य कहारों का सहभागी रहा। हम 6 कहार अक्सर महारानी को राजमहल से मंदिर तक पूजा अर्चना के लिए लाते ले जाते। यूं प्रतीत होता था मानो भारविहीन पुष्पों की टोकरी उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस दिन ये कंधे उसी महारानी के भार से दबे जा रहे थे, धसे जा रहे थे, मानो टनों भार कंधों पर लाद रखा हो। पांव जैसे बड़ी बड़ी शिलाओं लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से जकड़े हुए हो। पसीने से सारे वस्त्र सरोबोर थे। बहुत पीड़ादायक था वो सफर, चाहकर भी पांव आगे नहीं बढ़ रहे थे। हम भी यही चाह रहे थे कि उस वक्त का ये सफर कभी पूरा ना हो। हम मन ही मन यही प्रार्थना कर रहे थे कि हम उस गंतव्य तक कभी भी ना पहुंचे। हाँ, जहां महारानी को बलिदान देना था, शाह मदार की पहाड़ी के मध्य पहुंचकर महारानी ने एकाएक पालकी को नीचे रखने का आदेश दिया। कहारों के पालकी को नीचे रखते ही समस्त लोग स्तब्ध होकर अपने कान और आंखों को महारानी पर केंद्रित करके अगली घटना का अनुमान लगाने लगे। हमें लग रहा था संभवतः महारानी अपना निर्णय बदल कर वापस राजमहल की ओर वापस लौटने का निर्णय लेगी। नहीं ले पाई निर्णय। लोगों की असमंजस के ये भाव अधिक समय तक नहीं रह सके। तब महारानी ने धीरे से पालकी का पर्दा हटाया और बाहर आकर अत्यंत स्नेह भाव से शाह मदार के आंचल में बसे चंबा नगर पर प्यार भरी दृष्टि डाली, जी भर कर अपने नगर को निहारा। आंखों से झलकता उनका वात्सल्य
और बलिदान के गौरव भाव, निर्णय की दृढ़ता को उनके मुखमंडल की आभा को स्वतः ही दैवीय स्वरूप प्रकट कर रही थी। रानी ने नगरवासियों से वापस लौट जाने का आग्रह किया। उन्होंने प्रजा के भविष्य की मंगल कामना करते हुए एक बार फिर से चंबा नगर और नगरवासियों की भीगी आंखों को निहारते हुए, मंद मंद मुस्काते हुए पालकी में बैठकर अपनी यात्रा को जारी रखा। अत्यंत हृदय विदारक थे वे पल। कुछ वृद्ध महिलाएं व बच्चे मार्ग में ही रुक गए। शेष नगरवासी रोते बिलखते पालकी के पीछे विलाप करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। पालकी के भीतर बैठी महारानी पूर्ण शांत मुद्रा में बैठकर अपने बलिदान पश्चात प्रजा को मिलने वाले अमूल्य पेयजल की सुविधा से आनंदित होते, उनके चेहरों की परिकल्पना से रोमांचित भावों से लवरेज दिख रही थी। यहां तक सुनैना महारानी थी, इसके पश्चात वे देवी सुई माता के रूप में प्रकट होने वाली अब तक की भविष्य के इतिहास में स्वतः बलिदान के बाद पूजे जाने वाली घटना की प्रथम व अंतिम अथाह आस्था श्रद्धा पुंज के रूप में केंद्र में प्रकट हुई देवी मां बनी। मलूण स्थल पर पहुंचकर पालकी से नीचे उतरकर महारानी अपने स्थापित किए जाने वाले स्थल पर हाथ जोड़ आंखें बंद करके भक्ति भाव से यूं खड़ी हो गई, मानो कुल देवी को अपना बलिदान स्वीकार करने का आह्वान कर रही हो। भारी मन से रोते रोते बुझे मन से राजमिस्त्रियों ने धीरे धीरे पत्थर और गारे से उस बलिदानी महारानी का शरीर समाहित करने के प्रयास और प्रजा के कल्याण की अमिट मिसाल को धरा पर स्थापित करने लगे। संगमरमर से सुंदर पांव को जब मिट्टी के गारे से ढका जाने लगा तो रानी नैनो के स्वरों में जो वात्सल्य के भाव थे वो हृदय को चीर देने के लिए काफी थे। वो बोली, ये पांव में पहने मोचड़ुओं पर मिट्टी मत डालो, ये मेरी बिटिया चंपा ने पहनने हैं। फिर जैसे जैसे चिनाई ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, रानी मां राज मिस्त्रियों से आग्रह करती, सोथड़ू घाघरू और सालड़ू को मिट्टी गारे से मत तर करना, इसे मेरी दुलारी चंपा ने पहनना है। वक्ष स्थल तक मिट्टी गारे की परते पहुंचते ही मां नैना का मातृत्वाकाश को छूने लगता है। घुंघरू बेटे को दूध की धार पिलाने की विनती करते हुए कहती है, मेरी छाती पर मिट्टी गारे की चिनाई मत करना, अभी घुंघरू बेटे को दूध पिलाना है। उसके गुलाबी होठ मिट्टी से भीग जाएंगे, उसका चांद सा चेहरा गारे मिट्टी से तर नहीं होना चाहिए। बहुत दिल को द्रवित करने वाले थे वो क्षण। चौओर औरतों बच्चों बूढ़ों जवान लोगों की सिसकियों से सारा वातावरण यूं गूंज रहा था, यूं सुबक रहा था, मानो बरसात में बरसते मेघों के मध्य तेज हवा की सनसनाती ध्वनियां अपने प्रभुत्व जमाने को आतुर हो। माँ तो माँ होती है ना, प्रजा को जिन्होंने अपने बच्चों की तरह देखा सुना अनुभव किया हो, वे भला अपनी प्रजा के आंसू कैसे देख सकती थी। एकाएक कह उठी, इस तरह आंसू न बहाओ, मैं मृत्यु नहीं अमृतत्व की ओर जा रही हूँ, मुझे
इस बात का गर्व है कि मेरा ये जीवन अपनी संतान तुल्य प्रजा के हित में समर्पित होने जा रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप इस दिन को शोक नहीं उत्सव की तरह मनाओ, सिसकियों से आंसुओं से नहीं संगीत की स्वर लहरियों से सजाओ, झूमो नाचो गाओ। और फिर यहाँ से शुरू हुआ त्याग समर्पण बलिदान अमृतत्व की व्याख्या का नवीन उदय। मैं फिर कहता हूँ, मैं कथावाचक नहीं याचक हूँ। याद है ना माँ सुनैना ने कहा था, आज के इस दिन को सिसकियों से नहीं आंसुओं से नहीं उत्सव की भांति संगीत की स्वर लहरियों के साथ सजाओ, झूमो नाचो गाओ। हाँ गाओ, मेरे संग गाओ। सुकरात कुड़ियों चिड़ियों, सुकरात देवी तेरे हो, सुकरात लक्ष्मी निरणा हो, सुकरात राजेर बेड़े हो, ठंडा पहाड़ किया कर पिड़ाओ, तेरे नैना हेरी हेरी जिड़ाओ, सुकरात कुड़ियो चिड़ियो, सुकरात राजेर बेड़ियो। निशब्द, आपने तो हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। आखिर है क्या ये ताना बाना? सूही माता की कहानी को आप नए स्टाइल में सुनाएंगे आप? जी हम जी, क्योंकि आज दिन तक किसी भी बात को, क्योंकि जो ये घटना थी इसको हम घटना नहीं करेंगे, ये कहेंगे हम इतना बड़ा बलिदान हम चंबावासियों के लिए दिया। और अगर हम इसको सहज रूप में सरल रूप में लोगों के सामने पेश करेंगे तो ये समझ लीजिए कि जिन्होंने बलिदान दिया है हम उनकी सरासर, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहूँगा, कि हम सरासर उनका बेअदबी कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, हम नाइंसाफ़ी होगी, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी उनके बलिदान के साथ। तो इसका हम एक छोटा सा हम प्रयास करें, भले ही हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए उनकी भावनाओं तक, फिर भी एक कोशिश जारी है। जिस तरह से आपने अभी व्याख्यान किया तो मैंने पहले कहा मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये रानी सुनैना की जो गाथा है ये है ही एक मार्मिक गाथा, क्योंकि बलिदान देना अपनी प्रजा के लिए, आज के दौर में जो हमारे राजनेता हैं अगर उन्हें इस तरह से बलिदान देने की बात आए तो उस समय के जो राजा महाराजाओं के शासन थे तो लोगों के लिए उन्होंने बलिदान दिया, बहुत बड़ी बात है। ये कम बात नहीं है साहब, ये शब्दों में नहीं उकेरी जा सकती। अभी तो ये छोटा सा कम, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए, आप अनुमान लगा सकते हैं जो असल में चीज़ सामने आएगी उसका दर्जा क्या होगा। आप भाव जो आपके भाव दिख रहे थे उससे साफ जाहिर हो रहा था कि उस समय जो सही मायने में जिस करेक्टर की आप बात कर रहे थे उसका क्या हाल हुआ होगा और जो वहाँ की प्रजा है उनका क्या हाल हुआ होगा। बिल्कुल सही कहा हेम जी आपने, एक प्रयास है और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ सिटी चैनल का, सौभाग्यशाली मानता हूँ हेम जी आपका, कि इतनी बड़ी शख्सियत जो है मुझ जैसी नाचीज को आज कैमरे के सामने ला रही है। मैं तो ये चाहता था कि आप तो मेरे से काफ़ी सीनियर हैं। चिश्ती जी बता रहे थे कि पहला प्ले जब डायरेक्ट किया था तो उसमें आपका भी अहम रोल था, इंटरव्यू तो आपका होना चाहिए था सबसे पहले, लेकिन बारी मेरी, बलि मेरी लग रही है। जितने जिस तरह से आप करेक्टर में डूबते थे उतना तो हम नहीं डूब सकते, जितना हमें तराशा था चिश्ती भाई ने उतना तो हम कर सकते थे,
लेकिन क्योंकि हमारा जो था, हम कभी स्पोर्ट्स की तरफ भागते थे, कभी हमारा रुझान दूसरी तरफ भी होता था, लेकिन जिस तरह से आप अभी अभी पहले अश्वत्थामा का, अभी रानी सुनैना की जो गाथा आपने जिस तरह से व्याख्यान किया उस चीज़ का, तो ये तो अपने में एक अलग ही मिसाल दिख रही है मेरे को, क्योंकि जो होने वाला है मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त होगा। बहुत कोशिश है, अनोखा होने वाला है, और यकीन मानिए कि जब होगा तो उसको शायद पकड़ में नहीं आएगा। जो हमारे सिटी चैनल के दर्शक हैं वो भी इस बात से भली भांति परिचित हो चुके होंगे, क्योंकि जो पहले अश्वत्थामा का इन्होंने जो रोल अभी अभिनय किया था, जो डायलॉग सुनाए थे, और रानी सुनैना की तो बात ही कुछ हो रहा है, क्योंकि वो कहानी एक अपने में अलग ही मिसाल है। अब आपको भी इंतज़ार रहेगा कि आने वाले समय में राजेंद्र वशिष्ठ जी हमारे, वो क्या पेश करने जा रहे हैं। राजेंद्र वशिष्ठ जी से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बता दें कि राजेंद्र वशिष्ठ जी एक चित्रकार भी हैं, इनकी जो चित्रकलाएं हैं वो भी देखते ही बनती हैं, लेकिन उससे पहले कि हम जो जीसस की, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जीसस की बॉली हॉलीवुड की जो फिल्म है जीसस, उसमें इन्होंने जो, हमने पहले भी बताया, जो जीसस करेक्टर का जो इन्होंने डबिंग की है और जो इनकी चित्रकलाएं, उससे बात करने से पहले हम रंगमंच में ही रहते हैं, रंगमंच के जो इनका अभी जो मोशन बना हुआ है उसमें ही डूबे रहते हैं, और थोड़ा सा कोई डायलॉग रंगमंच का कोई आपसे जानना चाहते हैं। जी हैं जी, मुझे याद आता है एक प्ले था आदमी कहीं का, वो मेरी जहन में मतलब यादगार बन के छप चुका है। उसका एक डायलॉग है कि एक अर्धविक्षिप्त सा आदमी है जो सभी स्थितियों को देखता है, लेकिन उसके अंदर का जो भाव है वो अपने लहजे में कैसे वो निकालता है उसके लिए। अब मानुष को मारा नहीं जाता। अब मानुष को भूना जाता है, भूना। कभी रेल के डिब्बे में, कभी घर की चार दीवारी में, कभी छोड़ दिया जाता उसे विभत्स मंजर देखने को। अपने परिवार जनों की भूनी लाशों के अंश समेटने को। अब होली से पूर्व ही रक्त का प्रबंध हो जाता है। मानव को नहीं, लकड़ी को नहीं, मानव को जलाया जाता है। मानव मांस की गंध बहुत भाती है मानव को। इस उत्पात ने किसी को भी नहीं मारा, इसी की शर्म आती है मानव को। नारी देह को मसलने को बढ़ते हैं नापाक हाथों को, हर कोई तो काटे। गर्भ से शिशु निकाला जिसने अल्प अवस्था का, हर कोई तो उसे दंड दे। बाप की आंखें, वृद्धा की आंखें, बाप की लाठी जिसने की विकृत, हर कोई तो उसे दंड दे। बंद करो ये प्रलाप, बंद करो मानव सभ्यता के ये अंत का घृणित तांडव। ये नुचे अंग, ये कटे अंग, अंग अंग अंग, ये सब खंडित अंग, ये कटे हाथ व्याकुल हर क्षण शोषण को,
ये नंगे पांव झुलसती भीगी गीली रेत पर, भीगी आंखें जहां खुली रहे वर्षों से, नन्ही हथेलियों को आशा जहां भीख की, बंद करो ये प्रलाप, बंद करो मानव सभ्यता के अंत का ये घृणित तांडव। तो आपने देखा किस तरह से इनका टैलेंट तो देखते ही बनता है, जिस तरह से इन्होंने अभी अभिनय, इसकी एक छोटी सी झलक जो है हमें अभी देखने को मिल रही है, आने वाले समय में आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये आगे बनाने जा रहे हैं, जिस तरह से अभी इनका अभी हमने झलकी देखी है तो कैसा होगा। हम तो पहले से ही आपको शुभकामनाएँ दे चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से हम आपका ये झलकियाँ देख रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ लोगों को ये नई चीज़ देखने को मिलेगी। जिस तरह से रानी सुई माता का आपने किया, जो अश्वत्थामा का आपने अभिनय किया, तो वो जो चीज़ें हमने अभी देखी हैं, हमारे दर्शकों ने, जो सिटी चैनल के दर्शकों ने देखी हैं, उससे तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो गजब होने वाला है। कोशिश जारी है। बाकी मैं मीनू भाई का धन्यवाद करता हूँ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े मंच पर मुझ जैसी नाचीज को न्योता मिला। और मैं तो चाहता था कि आप तो हमारे सीनियर हैं जी, काफ़ी अरसे से पहले आपको मौका मिलता, लेकिन मुझे मौका मिला, मैं अपने आप को धन्यभागी समझता हूँ। देखिए, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभिनय एक तो हमने आपका देख लिया, थोड़ी देर के बाद आपकी चित्रकला भी देखेंगे, और जो आपने जो करेक्टर, जो डबिंग आपने जो हॉलीवुड की फिल्म में की है जीसस, उसमें जो आपकी डबिंग गदयाड़ी में है, उसका भी हम चंबियाली और गदयाड़ी में, तो हम वो भी देखना चाहेंगे। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हम ये आपसे जानना चाहते हैं, ये इतना आप में जोश कहाँ से उत्पन्न हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, ये बताइए थोड़ा सा। तो इसके लिए तो मैं चंबा रंग दर्शन चंबा का धन्यभागी हूँ, जिनकी छत्र छाया में ये सब कुछ। बचपन से ही एक सोच होती है, एक ज़रूरत होती है, और वही सोच और उसी ज़रूरत को लेकर चंबा रंग दर्शन चंबा की शरण में गया, अदा आर्ट गैलरी की शरण में गया, और उन्होंने ये जो कुछ भी बारीकियां हैं वहीं से सीख रहा हूं, अभी तक सीख रहा हूं मैं उनसे। और ये जोश और ये जज्बा और ये जुनून जो है कुछ कर दिखाने के लिए, क्योंकि इंसान जब धरती पर आता है ना तो वो खाली आता है और खाली चला जाता है। लेकिन कोशिश थी कि धरती पर तो आ गए, लेकिन कुछ ऐसा करके इतिहास रच कर जाएं कि युगों युगों तक पीढ़ियां याद करें कि चंबा के इतिहास को, चंबा की धरोहरों को, जो विलुप्त हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो विलुप्त हो रही हैं, जैसे हरनातर है, विलुप्त हो रही है युवा पीढ़ी आज की। आज आप युवा पीढ़ी से पूछो कि हरनातर क्या होती है, किसी को मालूम नहीं है। वो हमारी अनमोल धरोहरें हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। हमने एक प्रयास जारी किया है उन चीज़ों को उभारने के लिए। अभी हम हरनातर में जो मुखौटे लगाए जाते हैं उनका हम प्रयास कर रहे हैं, उसी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लकड़ी के और जो नेचुरल चीज़ों से बनते हैं, जैसे खाल से, लकड़ी से, बालों से, इस तरह से सारा मिश्रण और नेचुरल कलर डाले जाते हैं उसमें, आर्टिफिशियल नहीं, वो चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। और जहाँ जहाँ अभी भी कहीं कहीं ऐसे कलाकार हैं, उनको हम मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फिर से वो चीज़ें हमारी अनमोल है वो, क्योंकि आज का दौर जो आर्टिफिशियल है, हम ओरिजिनलिटी जो है, जो वास्तविकता है, जो नेचुरल है, प्राकृतिक, वो चीज़ें हम लोगों के सामने लाएंगे, लाने का प्रयास कर रहे हैं, और यही हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, जैसे आपने हरनातर की बात की, तो हमारे आज के युवा, जो युवा हैं, उनको तो इन विषयों के बारे में कोई पता ही नहीं है कि आखिर चीज़ क्या है। अगर आप उनको पूछेंगे कि हरनातर, तो बोलेंगे ये कि कौन सा शब्द आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो हमारे इतिहास से जुड़ी हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं, इन चीज़ों को जो संजो के रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने रंग दर्शन की बात की थी, तो मुझे याद है कि मैं भी शायद 80 की बात है, 80 का दशक था, तो उस समय मैं भी अमीन शेख चिश्ती, हमारे गुणी, उनका नाम लेना ही एक बहुत बड़ी बात है, हम उनके साथ जुड़े हुए थे, और उस समय एक सिंहासन खाली है नाटक,
तो उसमें मैंने अभिनय किया था सूत्रधार का। तो वहाँ से ये जो अभी इस मुकाम पे हम पहुँचे हैं, इतने साल आज 2024 है और 80 की बात है, तो हमने ज़्यादा उनसे कुछ समय तक नाटकों के जरिए कुछ इतना किया नहीं था, शायद मेरा स्पोर्ट्स की तरफ भी रुझान था, लेकिन जिस तरह से आप दिख रहे हैं मुझे तो उनका ही रूप बीच में, आप बीच बीच में कभी उनका भी रूप आपको दिखता है, तो कैसा अनुभव है ये बताइए चिश्ती भाई के साथ? देखो जो उनकी सोच है ना, जो उनकी गहराइयाँ हैं, वहाँ तक पहुँचना आम बात नहीं है, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, लेकिन उनका उनकी सोच का, उनकी जो गहराई है वहाँ तक हम एक कदम भी पहुँच जाएँ, आधा कदम भी पहुँच जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, क्योंकि उनकी बहुत गहरी सोच है। वो जो तराशते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि वो पत्थर से भी बुलवा लेते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं, वो पत्थर से। याद है एक बार मेरा एक हमारा एक यहीं पे हुआ था, वो शूटिंग हुई थी, एक गाना था उसमें, तो अंत में ना एक भैंस थी, तो भैंस ने एक बड़े स्टाइल से उसने आ किया था, तो जब लोगों ने उसको देखा बोले यार आपने तो भैंस से भी बात कर, ये बात आपकी मेरे को तब याद आई। नहीं सही बात है, क्योंकि वाकई में शब्द नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि शब्द नहीं है उनके लिए, क्योंकि जिस तरह से मुझे वो तराश रहे हैं, अभी भी तराश रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है उन्हीं का है, जो वो तराश रहे हैं वही सब नतीजा ये सामने उन्हीं। तो ये राजेंद्र विष्ट जी हैं, इनसे बातों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, देखते रहिए सिटी चैनल। राजेंद्र विष्ट जी, अब चलते हैं हॉलीवुड की ओर। दोस्तों हमारे लिए हर्ष की बात है चंबा वासियों के लिए कि जो हॉलीवुड की फिल्म जीसस है उसमें जो मुख्य पात्र की जो डबिंग है चंबियाली और गद्दी भाषा में, वो राजेंद्र जी की है, बहुत बड़ी बात है। तो राजेंद्र जी हो जाए थोड़ा जो जिस तरह से आपने जीसस की फिल्म, और एक और थी आदमी कहीं का, तो ये इसके कुछ डायलॉग हम अपने सिटी चैनल के दर्शकों को। हेम जी, डायलॉग बोलने से पहले मैं जीसस फिल्म की थोड़ी सी आपको बता दूं कि किस जी बिल्कुल पहले उसके बारे में थोड़ी जी, उसका जब जीसस फिल्म जो है ये 2000 से अधिक बोलियों में डब हो चुकी है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। बिल्कुल। और सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें भी चमियाली और गदियाली में डबिंग करवाने का, क्योंकि एक्टिंग करना डायलॉग बोलना तो अलग विषय है, वो आसान समझता हूँ मैं, लेकिन सबसे नई और अनोखी बात क्या लगी, जब जीसस फिल्म की डबिंग के लिए ऑफ़र आया तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी मूवी है, इंटरनेशनल लेवल की मूवी है, इंग्लिश मूवी है जीसस, उसमें आपको अपनी आवाज़ देनी है कैरेक्टर के लिए। ये नई बात लगी क्योंकि कभी पहले सुना नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आप जो है, सबसे पहले हमारी चंबियाली में हुई थी, गुड़गांव में इसकी डबिंग हुई थी, और वहाँ जाकर जो बहुत सारे नए अनुभव देखने को मिले हमें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो डायलॉग जो थे वो इंग्लिश में थे, और इंग्लिश का डायलॉग चंबियाली में ट्रांसलेट हो रहा है, और ट्रांसलेट करके चंबियाली में ही वो इंग्लिश का डायलॉग कैरेक्टर बोल रहे हैं, लेकिन हमें चंबियाली में बोलकर उनकी लिप्स मैचिंग भी करनी है, और वो भाव भी निकालने जो उन्होंने इंग्लिश में निकाले हैं। ये मेन बात तो भाव की होती है, भाव और लिप्स मैचिंग की, क्योंकि अगर लिप्स मैचिंग नहीं हुई भाव वो तो अलग दिखेगा। और हैरानी की बात ये है कि वहाँ पर जो टेक्नीशियन थे, फॉरेनर टेक्नीशियन आए हुए थे, उनके साथ 10-12 दिन तक हमें काम करने का मौका मिला, काम क्या कहें, हम तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सीखने का मौका मिला उनसे कि डबिंग ऐसे होती है, और एक एक चीज़। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात ये हुई उसमें कि जीसस जो का जो मेन कैरेक्टर है वो, उसकी आवाज़ देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बखूबी उस काम को करने का प्रयास किया उन टेक्नीशियन के अंतर उसमें बैठकर, और इस तरह से फिर उसके बाद अभी हाल ही में हम गदियाली भी करके आए, तो उस दौरान भी मैसेज आया कि गदियाली में हमने जीसस फिल्म की डबिंग करनी है गदियाली भाषा में, तो हमने सोचा कि कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको हैरानी की बात, एक नरेटर और एक जीसस का कैरेक्टर उनको कोई नहीं भाया, और हम में से चिश्ती जी और मैं जीसस के लिए फिर से चुन लिए गए, और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात हुई। अभी हाल ही में पीछे नवंबर में हुई है उसकी, पहले गदियाली में क्या था, चंबियाली में, पहले चंबियाली में हुई थी, लेकिन चंबियाली में फिर आसान लगी, लेकिन जब गदियाली की आई, क्योंकि गदियाली में जो डायलॉग और इंग्लिश में डायलॉग बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था, लेकिन खुशी ये हुई कि वहाँ पर 4 या 5 दिन में हमने वो डायलॉग
बिल्कुल कंटिन्यू निकाल दी और इतना आनंद आया उस चीज़ के लिए, क्योंकि कितने समय की थी वो फिल्म? वो है 1.5 घंटे की फिल्म है, कोई 1.5 घंटे की मूवी है, लेकिन वाकई में जो एक्शन किया हुआ, जो वो डायलॉग का जो भाव है, वो निकालना इतना आसान नहीं था। अभी जल्दी आप सबके रूबरू होगी वो फिल्म, तो उसको आप देखिएगा। और होता क्या है, जब उस वो मूवी चलती है ना, तो आदमी भूल जाता है कि इंग्लिश में चली हुई है मूवी, ऐसे लगता है गधियाली में और चंबियाली में चली हुई है, और एकदम खो जाता उसमें। ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य था उसमें। तो हो जाए कोई एक बढ़िया सा डायलॉग जीसस का। तो उसमें एक जीसस जब सूली पर चढ़ाया जाता है उनको, तो सूली पर चढ़ने से मतलब अंतिम सांस जो थी उनकी, उस वक्त का जो उनका भाव था सूली पर चढ़े हुए, और किस तरह से वो बोल रहे हैं, चमियाली में ही करूँगा, चमियाली में उसको। हे पिता, ये जो माफ़ करे, इन्हें जो माफ़ करे, इन्हें जान दे, यकीन कर दे। इस तरह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी बिल्कुल, गदियाली में हुआ इनका। तो ये था जीसस फिल्म का, बहुत बड़ा सौभाग्य। जब वहाँ पर डबिंग होती है तो और क्या क्या वहाँ पर आपको कठिनाइयाँ झेलना पड़ती है, किस तरह की वहाँ परिस्थितियाँ होती हैं? देखिए, फिल्म की जो डबिंग होती है ना, बाकी तो सब फैसिलिटी होती है, रहने की, खाने की, सब कुछ ठीक था हमारे लिए, लेकिन सबसे बड़ी जो कठिनाई नहीं समझेंगे हम इसको, अपना नया एक अनुभव समझेंगे हम, क्योंकि कभी डबिंग की नहीं थी। और डबिंग का मतलब है कि लिप्स मैचिंग भी करनी, डायलॉग भी ध्यान से सुनना है। और कठिनाई क्या आई थी, जो टेक्नीशियन थे वो फॉरेनर थे, उनको ना हिंदी का पता, चमियाली तो कहाँ से आएगी उनको, हिंदी का ही पता नहीं। अब वो इंग्लिश में हमें कहाँ के, वो इंग्लैंड के थे या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के थे वो, ऑस्ट्रेलिया के थे टेक्नीशियन वो, तो वो हिंदी में मतलब वो कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश में वो हमें बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, हमें तो इतनी डीप इंग्लिश आती नहीं, लेकिन उनका जो भाव था कहने का, उनका जो भाव था कहने का, हम उसी को कैच करते थे। और जब हम करते थे तो वो बेचारे चंबियाली में बोलने की कोशिश तो करते थे, लेकिन कर नहीं पाते थे वो, लेकिन हमें उनके इंग्लिश का जो भाव था उसको पकड़ कर हमने चंबियाली में ट्रांसलेट किया। और इस तरह से हमें चंबियाली में जाना लगा, गदियाली में, चंबियाली में ज़्यादा लगा था समय, गदियाली में तो आप कह रहे हैं कि कठिनाई ज़्यादा उसमें आई थी, गदियाली में। गदियाली में, गदियाली मेरे लिए नई थी लैंग्वेज, वैसे तो हम बोलते ही घर में गदियाली हैं, लेकिन गदियाली में बोलना और डायलॉग बोलना और पढ़कर बोलना बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। लेकिन क्या था, वो चंबियाली का जो एक्सपीरियंस था वो गदियाली में काम आया, इसलिए जल्दी हो गया। वो 4 दिन में हमने वो डायलॉग सारे अपने कंप्लीट कर दिए। अब नरेटर के डायलॉग कम से कम 120 के करीब डायलॉग थे, उन्होंने भी 3-4 दिन में निकाल दिए। अब मेरे भी लगभग 100-120 मेरे भी थे, 80-100 वो भी निकल गए थे। तो ये राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र विशिष्ट जी हैं, चमीनू के ही रहने वाले हैं, और बचपन में जो इनकी एक टांग पोलियोग्रस्त हुई थी, लेकिन इन परिस्थितियों को जो है इन्होंने अपने आड़े नहीं आने दिया था। ये काफ़ी जो टेलीफिल्में हैं, जो शॉर्ट फिल्में हैं, शॉर्ट मूवीज़ हैं, उनमें भी काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो शॉर्ट फिल्में देखने को मिलेंगी, नाटक भी, नाट्य जो है, नाटक में भी ये अपने अपने ही दिखाएंगे, काफ़ी और भी बहुत सा काम कर रहे हैं। और जिस स्कूल में ये इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, उसी में आजकल ये प्रधानाचार्य का वहाँ पे कार्यरत हैं, मुख्य अध्यापक। कैसा है ये मेरे लिए बहुत अनोखा अनुभव है, क्योंकि जब मैंने देखा स्कूल में, जब हालांकि सोचा नहीं था कि जिस स्कूल में पढ़ाऊँ वहीं जाकर पढ़ाऊँगा, तो जब प्रमोशन का ऑर्डर आया तो प्रमोशन में उन्होंने स्टेशन पूछा कि स्टेशन कौन सा चाहिए, तो मैंने, मेरे मुंह से पहले ही निकल गया मेरे को बरौर चाहिए। बरौर क्यों चाहिए, क्योंकि इच्छा थी कि जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उसी में जाकर लगूं। तो इस तरह से ऑर्डर भी बरौर के आ गए, और जब मैंने वो विड्रॉल रजिस्टर निकाला अपना पुराना, वहाँ पर जब अपना नाम पढ़ा मैंने, वाकई में आंखों से आंसू आ गए थे उस वक्त। वो अलग ही अनुभव था कि उसी कुर्सी पर बैठकर वो रजिस्टर खोलकर जब अपनी डेट, अपना नाम, अपना सब कुछ देखा कि मैं पहली क्लास में यहाँ दर्ज हुआ था इसी स्कूल में, और उसी कुर्सी पर हेड टीचर बन के बैठा हूँ, ये बहुत बड़ा अनोखा एक भावुक सा पल था वो। आप सुना समाज सेवा में भी विश्वास रखते हैं, कुछ समाज सेवा किस तरह से आप यहाँ पर लोगों को कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा? देखो, सबसे पहली बात तो हेम जी, समाज सेवा कोई कर नहीं सकता है, वो ईश्वर की एक देन होती है। लेकिन मेरा मानना यही है कि मैंने सुना है
बुजुर्गों से सुना है, संत महात्माओं से सुना है, अगर आप समाज सेवा करते हैं, दाएं हाथ से सेवा करते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने ये विषय छेड़ा है तो मैं ये समझूंगा, मैं ये चाहता हूं कि इस विषय को पर्सनली रखें तो ठीक है, आगे ना पूछें तो बेहतर है, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, ऊपर वाले का विषय है, ऊपर की देन है, बस इतना ही। हे राजेंद्र विशिष्ट जी हैं और इनसे बातों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। अब जो चित्रकला का जो इनका हुनर है, अब आगे आपको दिखाते हैं थोड़े से ब्रेक तो के बाद। राजेंद्र विशिष्ट से बातों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले इनसे जो जीसस जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जो मुख्य अभिनेता का जो इन्होंने मुख्य करेक्टर का जो इन्होंने डबिंग किया है उसमें गदयाड़ी भाषा में भी किया, उसका भी एक हमसे डायलॉग सुनना चाहते हैं। उनका एक जब जीसस उपदेश दे रहे हैं अपने शिष्यों को तो एक उनका संवाद था कि अक बी बाणे वाला बी बाणे ताएंगो अते किछ बीत सिरे झिल लमझ पई गए अते किछ बी छपड़ा में पई गए अते किछ खरी जमीन में पई गए, जेड़े झिल मंज बी पै थी तीन जो पखेरू चुआऊ तो खाई गए अते जेड़े जे पत्थरा में छपड़ा में पै थी से सूखी मुकी गए अते जेड़े जेड़े बी से खरी मिट्टी में पेरे थी सो उग गए तो बड़ा छैल तियाँ फल दिता, 100 गुणा छैल फल दिता। इस फणूनी बलने का यह मतलब आ कि मणु बचन तो होंदा पर जेड़ा जे उपरी मना कने होंदा से होनी करे भूली गांदा ते अगू सो ना करदा अते जेड़े मन तो ले लैंदा विचार अंदरा ताई ले लैंदा से सो बचन खरे उगदे अते से दुनिया मां से ना रोशन करदा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि श्री राजेंद्र विशिष्ट से बातचीत किस तरह से मजा आ रहा है, हमारा भी एक अलग ही इनके बातचीत करने का अनुभव रहा है, क्योंकि एक हॉलीवुड के कलाकार से हम आज बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, देखते रहिए सिटी चैनल। सिटी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चित्रकला के बारे में जानने से पहले हम एक बार फिर किसी आपसे किसी और डायलॉग की इच्छा रखते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों को बहुत मज़ा आ रहा है इस डायलॉग के ऊपर, तो हो जाए कोई। अब मनुष्य को मारा नहीं जाता, सिर्फ भूना जाता है, कभी रेल के डिब्बे में, कभी घर की चार दीवारी में, कभी छोड़ दिया जाता है उसे बेबस मंजर देखने को, अपने परिवारजनों की भूनी लाशों के अंश समेटने के लिए। अब होली से पूर्व ही रक्त का प्रबंध हो जाता है, लकड़ी को नहीं मानव को जलाया जाता है। मानव मांस की गंध बहुत भाती है मानव को। इस उत्पात में किसी को भी नहीं मारा, इसी की शर्म आती है मानव को। नारी देह को मसलने को बढ़ते नापाक हाथों को कोई तो रोके, गर्भ से शिशु निकाला जिसने अल्प अवस्था का कोई तो उसे दंड दे, वृद्धा की आंखें बाप की लाठी जिसने की विकृत है कोई तो उसे दंड दे। एक करैक्टर को बाहर निकालना, डूबना पड़ता है उसमें बहुत ज़्यादा, ये साधना है, ये जितना करेंगे उतना कम है, ये इतना आसान नहीं है कि छड़ी घुमाई आ गया सब कुछ, ये वर्षों की साधना होती है, वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, एक तरह से भूमिगत होना पड़ता है, तब जाके ये सामने आती चीज़। आजकल दौर क्या है, आजकल थोड़ी देर बैठे और मोबाइल उठाया चिपक गए तो ऐसे कुछ नहीं आएगा, मतलब सब कुछ त्यागना पड़ेगा तब जाके गहराई से वो चीज़ें पकड़ में आएंगी। होता क्या है आजकल का युवा पीढ़ी,
कोई नया काम सीखने लगते हैं, कोई कला सीखने लगते हैं, कुछ करने चाहते हैं, तो क्या करते हैं, चार दिन जाते हैं। लेकिन वहाँ क्या है, चार दिनों में तो कुछ होता नहीं है, बैठना ही ढंग से नहीं होता है, मोबाइल में रील बना के खुश हैं, बस मोबाइल में रील बनाई, आड़े तिरछे पोज दिए और बस चार बन गया, बस 500-700 व्यूअर्स आ गए तो सोचते हैं हम सब कुछ हो गया, लेकिन नहीं। वो साधना है, अब 20 साल से 25 साल से ये साधना हो रही है, तो अभी भी मैं प्रयासरत हूँ, अभी भी कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो धीरे धीरे हो रही है कोशिश। बातों का सिलसिला इसी से जारी रहेगा, देखते रहिए सिटी चैनल। रंगमंच की दुनिया से हम आपके लिए चलते हैं रंगों की दुनिया में। दर्शकों, आप जो ये कलाकृतियां देख रहे हैं, ये सब इस चित्रकार की बहुमुखी प्रतिभा को चार चांद लगाती, ये बारीकी, ये सिद्ध हस्तता किसी छड़ी को घुमाने से नहीं मिलती, इसके लिए घंटों साधना में लीन होना पड़ता है, तब कहीं ये तस्वीरें आपसे बातें करती हैं। राजेंद्र जी, अपनी इस रंगीन दुनिया के बारे में हमें कुछ बताइए, कब से आपने ये शुरू किया और किन किन पड़ावों से आपको इससे गुजरना पड़ा? जी जी हेम जी, आपका मेरी आर्ट गैलरी में हार्दिक स्वागत है, और मैं सिटी चंबा का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने इस स्टूडियो में। तो ये जो सिलसिला है, काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से
चित्रकला के क्षेत्र में और पेंटिंग, रंगमंच और रंगों से खेलना मतलब बचपन से ही शुरू रहा, मेरा प्रयासरत रहा, निरंतर जारी रहा ये सफ़र। जो रंग आप यूज़ करते हैं, बताइए इस रंगों के बारे में, बताइए थोड़ा किस तरह से, कोई नेचुरल कलर आप बनाते होंगे? जी नेचुरल, जैसे पत्थरों को घिसकर, जड़ों को घिसकर, पत्तों को पीसकर, इनसे तो नेचुरल कलर बनते हैं। लेकिन आज का आधुनिक दौर जो है वो थोड़ा फास्ट है, तो अब इन पत्थरों को घिसकर या जड़ों को घिसकर, पत्तों को पीसकर समय ज़्यादा लगता है। हालांकि वो नेचुरलिटी होती है, वास्तविकता, और जिसको बोल सकते हैं हम नेचुरल, प्राकृतिक जो एक टच आता है उसी से आता है। लेकिन विडंबना ये है कि आज का दौर बहुत फास्ट है, काम जल्दी करना है, तो हम ऑयल कलर्स यूज़ कर लेते हैं, फैब्रिक कलर यूज़ कर लेते हैं, एक्रेलिक कलर यूज़ कर लेते हैं, वाटर कलर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बना बनाया मटेरियल है, झट से काम शुरू कर दिया। तो ये जो भाव जिस तरह से ये दिखते हैं, तो कितनी मेहनत होती है इसके लिए? हेम जी, ये तो अलग अलग कलाकार की, अपनी अपनी चित्रकार की, अपने अपने समय होता है, अपने अपनी साधना होती है। लेकिन जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव है, मैं एक ही बात कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा साधना करनी पड़ती है। अब मैं अपना अनुभव बताऊँ तो मेरी बैठक जो शुरू से ही, जब से मैंने ये काम पहली बार जब पेंसिल पकड़ी थी तब से लेकर आज तक मेरी बैठक 12 से 18 घंटे की रही है कंटिन्यू। 12 से 18 घंटे? बिल्कुल। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 से 18 घंटे तक, ये कब की बात है जब शुरू किया था? जब शुरू किया था 98 से शुरू किया था मैंने। तो जब इनका शुरुआती दौर रहा तो 12 से 18 घंटे तक इसी तरह से बैठ के चित्रकला, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जी इतना आसान नहीं है हेम जी ये, क्योंकि 12 से 18 घंटे बैठना बोलने में तो बड़ा आसान लगता है कि 12 से 18 घंटे, विश्वास नहीं होता है, लेकिन जो बैठता है उसी को मालूम है। और आज का दौर क्या है, ब्रश पकड़ा, दो लगाए लाइनें, कलर किए, उठ गए, वैसे कभी भी कला जो है निपुण नहीं होगी। तो 12 से 18 घंटे कंटिन्यू काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ये जो जिस तरह की आप ये दिख रही हैं चित्रकलाएं, तो आजकल कंप्यूटर का दौर है जी। और हाथ से जो तस्वीरें बनती हैं, हालांकि जो कंप्यूटर में बनाई जाती हैं उसमें भी काफ़ी आपको सही जो भाव देखने को मिल सकते हैं, तो कंप्यूटर जो एआई का ज़माना है और ये जो हाथ से चित्रकला होती है, क्या फ़र्क समझते हैं आप इसके बारे में थोड़ा सा? देखो कंप्यूटर में जो अपने मन के भाव है ना, वो गहराई से नहीं निकलते, अपनी आत्मिक जो संतुष्टि है ना वो नहीं होती वहाँ, तो आपकी टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी से आप कुछ भी निकालो, लेकिन जो असली जो आत्मिक जो शांति है ना, आत्मिक जो अनुभव है, वो तो हाथ से ब्रश चला कर, रंगों में भीग कर, रंगों को बिखेर कर, जब वो कैनवस पर उतारे जाते हैं, जब वो चीज़ उभर कर आती है, उसको ऐसा लगता है कि बस देखते रहें देखते रहें देखते रहें। लेकिन कंप्यूटर से प्रिंट, बैठ गए कंप्यूटर पर, कुछ भी डिजिटलाइज है आजकल, कुछ भी रियलिस्टिक बना लो आप, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जिसने बनाना है उसको भी आनंद नहीं आता है। मैं सच बात कहूं, कंप्यूटर पर आप कुछ भी बना लो उसको उतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन जितना आनंद हमें आता है, मुझे आता है इसका, कि जो दिल से जो तस्वीर आपने वो केरी है कैनवस पर, उसका भाव मजा ही कुछ, वो अलग ही आनंद है, उस आनंद को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता है, वो अलग ही आनंद है। हर कोई जो भी कलाकार होता है, चाहे सिंगर हो या कोई आर्टिस्ट हो, उसके पीछे किसी न किसी की प्रेरणा रहती है, तो आपके पीछे किसकी, किसको देख के आपको ये करने में? क्योंकि इसके लिए तो मैं मंजू चिश्ती जी के चरणों में शत शत नमन करता हूँ, उन्हीं की बदौलत ये सब कला मिली मुझे, क्योंकि उनके ही सानिध्य में 12 से 18 घंटे साधना की है इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने ये बारीकियाँ बताई, क्योंकि वो मिनिएचर, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग रख लीजिए आप, चाहे ऑयल पेंटिंग रख लीजिए, चाहे आप पोर्ट्रेट्स रख लीजिए, चाहे आप क्ले पेंटिंग रख लीजिए, वो अथाह सागर हैं, वो उनमें से कुछ बूंदे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये उसी का परिणाम है। हम देख रहे हैं जिस तरह से आपने यहाँ पेंटिंग लगाई, इस तरह की आपके पास दर्जनों पेंटिंगें और भी होंगी जी। तो कोई भी ऐसा आर्टिस्ट हमने देखा कि, हमने भी कई बार देखा है कि जो चित्रकार होता है, जो अपने जो पेंटिंगों के जगह जगह प्रदर्शनी लगाते हैं, चाहे वो जिस तरह की भी पेंटिंग होती है उसे अपने लोगों को दिखा दी, युवाओं को दिखा दें,
तो हम तो देख रहे हैं कि आपने जिस तरह से यहाँ पे ये तस्वीरें उकेरी हैं, तो ये तो कई है, तो जैसे लगता है कि अभी बात कर रही हूँ। तो ये युवाओं तक इसको पहुँचाना आपका भी एक फर्ज बनता है, तो कोई ऐसा प्लानिंग आपकी हो, कहीं वर्कशॉप लगानी हो आपने, प्रदर्शनी लगानी हो, उसकी कोई की है आपने कोई? अभी तो सिर्फ मैं बना रहा हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, अभी कलेक्शन ही कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा ये नहीं है कि थोड़ा सा बनाया और एकदम से हाईलाइट होने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अभी अधूरे में हाईलाइट होके जल्दी आदमी गौण हो जाता है, लेकिन मेरा यही है अगर मैं 20-25 साल से अगर प्रयासरत हूँ, तो इसीलिए प्रयासरत हूँ, अगर दुनिया के सामने आऊँ तो कुछ ऐसा आऊँ कि लगे कि अनोखा आया, कुछ अलग सा। 20-25 सालों से इसी तरह से बड़ी लगन से ये इस कार्य में जुटे हुए हैं, और भी आपने इनके रूप पहले भी देखे और आज यहाँ पर अभी चित्रकला का ये रूप देख रहे हैं। 12 से 18 घंटे तक इनकी सिटिंग है और पिछले कई सालों से ये इसी काम में लगे हुए हैं। राजेंद्र, जिस शख्सियत का आपने जिक्र किया वो बहुत बड़ा नाम है, मंजू चिश्ती अपने में एक बहुत बड़ा नाम है चंबा में। उन्होंने जो हिमाचल की संस्कृति को सहेज के रखा है, चाहे वो पेंटिंग हो या लोक गायकी हो, बहुत नाम है उनका। क्योंकि अगर गिनाने लगूँ तो एक एपिसोड ऐसे कई एपिसोड निकल जाएंगे। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो मिनिएचर पेंटिंग वगैरह इसका भविष्य में किस तरह से आप इसे आगे और ले जा रहे हैं, और क्या आपकी प्लानिंग है इसके बारे में? हेम जी, जैसा कि मैंने थिएटर के माध्यम से एक बात रखी कि हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है रानी सुनैना का, तो थिएटर के माध्यम से तो हम काम कर रहे हैं, वो एक विषय है। दूसरा विषय ये मेरा ये है, जो जिस चित्रकला के माध्यम से मैं रानी सुनैना के जीवन के बलिदान और जहाँ से उनका शुरू हुआ वो 365 चित्रों में उकेरने का मेरा कोशिश जारी है, उसके लिए पूरी चित्र उनकी जो गाथा है उसको जी पूरी गाथा को जो है 365 चित्रों में उकेरने का मेरा प्रयास जारी हो चुका है। उसके लिए स्केचिंग या जो उसके लिए कपड़ा लगेगा उसके लिए पूरा मैं प्रयासरत हूँ। उसके लिए वो एक मेरा एक जिसको कह सकते हैं कि हम एक छोटा सा एक श्रद्धांजलि के तौर पर माता सुनैना को मैं अर्पित करना चाहता हूँ। तो आप खुद ही सुन सकते हैं पहले जो इन्होंने अपना अभिनय दिखाया था, रानी सुई माता के जो अभिनय दिखाया था, उसमें आने वाले समय में किस तरह से क्या आने वाला है एक सोच कर ही बड़ा एक मन को एक उत्सुकता है कि क्या होगा। और इस तरह से जो 365 चित्रों में उस गाथा को उकेरना, कुल मिलाकर ये एक अलग ही अनुभव है, बड़ा मज़ा आ रहा है इनसे बात करने का। अच्छा, आपसे हम एक बात जानना चाहते हैं, आप एक स्कूल में अध्यापक भी हैं, हेडमास्टर भी हैं स्कूल में, अभिनय आपका हमने देखा, चित्रकला, कैसे समय निकाल पाते हैं आप ये सब बातों को? हेम जी, किसी काम को करने के लिए ना कुछ त्याग करना पड़ता है, क्योंकि कोई नया सृजन करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो बलिदान करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि मैंने अगर बलिदान किया है तो नींद को बलिदान किया है। अच्छा, क्योंकि देखो दिन के तो वैसे ही 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे तो मेरे जॉब में निकल जाते हैं, नौकरी में निकल जाते हैं, उसके बाद घर में आना जाना, लेकिन रात ऐसी होती कि रात में आदमी सिर्फ सोता है और कुछ नहीं कर पाता है। तो मैंने रात के समय को जो है इसमें ढाल दिया है कि चाहे वो पेंटिंग है चाहे थिएटर है, इसमें रात के आधे टाइम को जो है मैंने पेंटिंग और थिएटर में लगाना शुरू किया है, ताकि वो जो सृजन है वो नया सृजन समय देकर ही निकलेगा, कुछ ना कुछ बलिदान करके निकलेगा। तो मेरे को लगता है जब से आप सपने में भी इसी तरह से लगे रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो दिन भर जो सोच होगी सपने में भी वही आता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो अंदर जाएगा वही निकलेगा। तो मेरे तो सपने में भी वही सुनैना रानी सुनैना का ही पूरा चित्रण चलता है, 365 चित्र कैसे बन रहे हैं, किस तरह से बनेंगे, क्या आकार होगा। आप कल्पना कीजिए 365 चित्रों की एक श्रृंखला जो बनी होगी, पूरे चंबा चौगान नंबर एक के चारों तरफ लगी होगी, 400 या 500 मीटर कपड़े के ऊपर बनी होगी, तो कैसा दृश्य होगा वो? सुनने में एक अद्भुत एहसास हो रहा है, आप जब वहाँ पे आप इसका चित्रण देखेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी आनंद की अनुभूति होगी वहाँ देख कर, कि इन हमारी जो ये पुरानी पारंपरिक जो हमारी कथाएँ गाथाएँ हैं उनको एक चित्र के माध्यम से दर्शाना एक अलग ही अनुभव हो रहा है। रंगमंच और रंगों की दुनिया में आप पूरी तरह से डूब जी 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 रोमांचित तो अब आप होंगे जी। इतिहास के जोर नया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास के झरोखे से
चंबा का जो इतिहास है 1000 से भी ज़्यादा साल पुराना है, ठीक है जी। तो मैंने एक और नया काम शुरू कर दिया है जो सुनकर आप और ज़्यादा रोमांचित हो जाएंगे, और ज़्यादा अचंभा, रंगमंच या रंगों की दुनिया, रंगों की दुनिया का, रंगों की दुनिया। क्योंकि जो चंबा का इतिहास है, जब राजा साहिल वर्मन भरमौर से चंबा स्थानांतरित हुए हैं, तो वो जो इतिहास है चंबा का, वो 1000 चित्रों में उकेरने की मेरी तैयारी शुरू हो चुकी है। और उसके लिए जो कपड़ा है, सूरत के कपड़ा मिल से बात, 1000 चित्र, बिल्कुल, ओह माय गॉड जी, 1000 चित्र बनाने के लिए कम से कम भी आपका 400 से 500 मीटर कपड़ा लगेगा। वो 1000 चित्र और 400 से 500 मीटर तक कपड़ा, सुनिए जी, जी। तो वो जो कपड़ा मिल वालों से बात चल रही है, और उन्होंने हैरानी की बात, जब मेरा ये सुजेशन सुना उन्होंने, जो ये मेरे थीम सुनी, तो वो खुद हैरत में पड़ गए कि कोई ऐसा कलाकार कर भी सकता है। तो इसी बात को लेकर उन्होंने कपड़ा स्पॉन्सर करने की भी बात कर दी, और रंग तक स्पॉन्सर करने की बात की है। तो वो बात चल रही है, अगले 5 से 7 साल में ये प्रोजेक्ट भी आपके सामने होगा। कला के भी कदरदान आजकल बैठे हुए आप देख सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो जब इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट उन्हें बताया कि 1000 चित्र 400 से 500 मीटर कपड़े पर उकेरे जाएंगे, तो वो सुनकर कपड़ा मिल वाले भी हैरान हुए और उन्होंने स्पॉन्सर किया। बिल्कुल, स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं वो। तो इस तरह की बहुत सी अचंभित कर देने वाली बातें हमें अंत में अब सुनाई देने लगी, और अब और ज़्यादा हमें उत्सुकता रहेगी कि कब हम इनकी जो श्रृंखलाएं हैं, जो चाहे वो नाट्य उसमें हो या फिर ये इस रंगीनी दुनिया में, रंगों की दुनिया में हो, आने वाले समय में कितना अचंभित करने वाली चीज़ें आपको देखने को चंबा में मिल सकती है। चारों तरफ चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में 500 मीटर कपड़ा, क्योंकि 400 मीटर का ट्रैक जो एक स्पोर्ट्स का होता है पूरे ग्राउंड में लगता है, तो 500 मीटर तो जो रेलिंग है वहाँ की पूरा वहाँ लगेगा, और बाहर से भी लोग आएंगे। ये भी मेरे को लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है शायद, प्रयास तो जारी है, अब देखते लग रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं, मेरा तो प्रयास है, बाकी क्या होगा, कौन क्या करता है उस विषय पर, वो बाद की बात है। हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल आपके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से फले फूले काम करते रहें, चाहे रंगमंच हो या फिर इन रंगों की दुनिया हो, इसी तरह आप अपना, अपने शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अपना नाम कमाते रहें। जाते जाते हम आपसे जी एक बात बोलना चाहूँगा, जी जी, मैं अपने दिल की बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए पहला अनुभव है। ये 25 साल की साधना के बीच में यदि कोई शख्सियत मुझसे मिलने आई है, तो सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, मीनू भाई का, सिटी चैनल का, जिन्होंने मुझ जैसी नाचीज को भी पर्दे पर लाने की एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। तो मीनू भाई सिटी चैनल से, और हेम जी आप तो हैं ही एक खास मेरे, और आप जैसी शख्सियत अगर मेरा इंटरव्यू ले रही है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कोई नहीं हो सकता। हम अपने आप को सौभाग्य, मैंने पहले ही बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन जिस तरह से शख्सियत आप में हम देख रहे हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम आपका जो है साक्षात्कार ले रहे हैं। मीनू भाई जी तो पिछले कई सालों से इसी तरह जो हमारी लोक संस्कृति है, चाहे वो वाद्य यंत्र हो, किस कोई वाद्य यंत्र में माहिर हो, उसे हम आगे लाने की कोशिश करते हैं, और भी बहुत से कलाकारों को इन्होंने जो है मंच प्रदान किया है। तो जैसे ही हमें आपका पता चला, तो हमसे रहा नहीं गया कि इतनी गुणी और इतने काबिल व्यक्तित्व जो हमारा चमीनू में रह रहा है, हम अभी तक क्यों नहीं वहाँ तक पहुँचे। तो यही वजह थी कि हम खींचे चले आए मीनू भाई यहाँ पर जी। ये सारा मीनू भाई का कमाल है, क्योंकि ये खोज में लगे हुए हैं, कुछ ऐसे हीरों को तराशे जो दबे हुए हैं अंदर बोरियों में बंद है, जिसको बोलते हैं गुदड़ी के लाल, उनको ढूंढने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। ये इनका बहुत बड़ा सराहनीय कदम है, और मैं इनको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे हीरों को बाहर निकाल कर लोगों के सामने रख रहे हैं कि देखो दुनिया में ऐसे हीरे भी पल रहे हैं, मैं तो उसमें से एक निमित्त मात्र हूँ। तो ये मैं इनका चमेनू जैसे गांव में एक ऐसी प्रतिभा, आपको आज प्रतिभा से बातचीत करने का आज मौका मिला, अचंभित करने वाली बातें। रानी सुनैना का आपने देखा किस तरह से वहाँ पे इन्होंने जो फिल्मांकन होगा उसको सोचकर ही मेरे दिल में आज उत्सुकता पैदा हो रही है। साथ ही ये जो 1000 चित्रों की बात की इन्होंने, बाकी जो रानी सुनैना के जो
365 जो चित्र इन्होंने उकेरने हैं, तो ये सभी बातें नई बातें हैं हमारे लिए, क्योंकि आज तक हमने अपने जीवन में इस तरह से एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ये सारी बातें हो रही हैं, ये नई बात हमारे लिए एक नई बात है। और हैरानी की बात है कि छोटा सा क्षेत्र है, और ये शिक्षा के क्षेत्र में भी लगे हुए हैं, हेडमास्टर हैं, जिस स्कूल में पढ़ते थे वहीं पर ये हेडमास्टर हैं, और उसके बीच ये समय निकाल पा रहे हैं, एक एक दिमाग को हिलाने वाली झंझोड़ने वाली बात है। आपको सल्यूट है जी। और जिस तरह से हम आपके डायलॉग सुन रहे थे, मैंने पहले भी दो जो अश्वत्थामा का जो आपने वो सुनाई रानी सुई माता का आपने, उस समय मेरे बिल्कुल जब मैं सुन रहा था तो बिल्कुल मेरे भाव में बिल्कुल आप में खो गया था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कोई ऐसा ही रोंगटे खड़े करने वाला एक अंत में कोई हमें बढ़िया सा कोई एक डायलॉग। हमारे बच्चों को जो है भाषण प्रतियोगिता के लिए एक विषय दिया गया कि समाज में नारी का स्थान पर। अब नारी का क्या स्थान है वो दुनिया जाने, लेकिन हमारी नज़र में नारी का क्या स्थान है उस पर एक भाषण तैयार किया है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूँगा। भारतीय समाज में नारी का स्थान, साहब क्या आपको नहीं लगता कि ये विषय ही अपने आप में अनेकों विरोधाभासों की घृणित कड़वी दुर्गंध की चाशनी में लिपटा प्रतीत होता है? ईश्वर ने जब नारी और पुरुष की रचना की तो अनेकों अनेक विशेषताओं से नारी को सुशोभित करके सृष्टि की सुंदर और अनमोल रचना के रूप में निर्मित किया। करुणा, वात्सल्य, स्नेह, त्याग, बलिदान और अतुल्य साहस की प्रतिमा और विस्मयकारी गुणों से परिपूर्ण नारी की आभा से साधारण पुरुष ही नहीं अपितु देवता और ऋषि मुनि भी ईर्ष्या और द्वेष के तप से बच नहीं पाए। आज आधुनिक समाज किसी नारी के स्थान की तहकीकात करने को लालायत है। लाल बत्ती पर रुकती गाड़ियों के पीछे सीने से चिपकाए अर्ध चेतना में भूख से बिलखते बच्चे के दूध के लिए भीख मांगती मां के हौसलों से लबरेज नारी की विवशता के प्रतिबिंब की, या गांव की पगडंडियों पर सिर पर बोझा लाद कर नंगे पांव दौड़कर अंतरिक्ष तक की ऊंचाइयों का सफर तय करती नारी की हठधर्मिता, कर्मठता या लक्ष्यों को रोंदती सबल भावनाओं को संप्रेषित करती वीरांगनाओं की उपलब्धियों की। वाह क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो आपने देखा कि किस तरह से चाहे रंगमंच हो, चाहे रंगों की दुनिया हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, और भी बहुत सी ऐसी समाज सेवा हो, तो इस तरह की बहुत सी बातें जो एक ही व्यक्तित्व के आसपास अगर हों तो एक अचंभित कर देने वाली बात है। सल्यूट है ऐसे शख्सियत को। आने वाले समय में इसी तरह की शख्सियत से सिटी चैनल पर बातचीत का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। तब तक के लिए दिए इजाज़त, नमस्कार। इसी तरह मेरे भूखे पंजे दबोचेंगे गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा हतो हता। सुन लो कृष्ण, सुनो।